उसके अंदर क्या क्या खराबा होता है, जैसे अपने फसलों की बुआई की टाइम जब अपन के कोई बारिश आ जाती है, बहुत मूसलाधार बारिश वगैरह आ जाती है, खेतों में पानी वगैरह भर जाता है, तो उससे क्या है कि अपने को जो भी खराबा होता है वो अपन को मुआवजा मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक जैसे कि कीटों का प्रभाव हो गया, भूस्खलन हो गया, प्राकृतिक आग हो गया, आकाशीय बिजली हो गई, तूफान हो गई, ओलावृष्टि हो गई, इससे अपन को सबको कवर मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जब अपने फसल खराब होती है तो अपन को 7 दिन के अंदर अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है। उस टोल फ्री नंबर पर अपन को शिकायत दर्ज करानी होती है। वो टोल फ्री नंबर मैंने आपको ये जो बैनर दिया है इस पर लिखा है, देखो 1800-2 1800-2 6641 41, ये इसका टोल फ्री नंबर है। इस पर अपन को जब भी अपनी फसल ख़राब होती है तो उस पर अपन को शिकायत दर्ज करानी है। बाद में कंपनी वाले आते हैं, आपकी फसल का वो निरीक्षण करते हैं सारा, हाँ, और उसका अपने को रिपोर्ट बना के और आगे भेजते हैं, तब आपको मुआवजा प्राप्त किया। ठीक है सर, ये है इस फसल का उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बाढ़, आंधी, ओले, तेज बारिश, सूखा आदि के समय जब किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तो ऐसे समय में फसल बीमा धारक को योजना से नुकसान की भरपाई होती है। फसल बीमा योजना का लाभ अच्छा मिला है, अगर ये योजना न होती तो आज हमें कुछ नहीं मिलता, परिवार भी हमारा भूखा रहता। ये प्रधानमंत्री जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत अच्छी योजना है ना, इसके द्वारा हम लोगों को भरपाई पूर्ण रूप से मिल जा रही है, जिससे कि हमारे कोई भी फसल बर्बाद होती है तो उस फसल का पूरा क्लेम हम लोगों को मिल जाता है, जिससे कि पैसे जितना बर्बाद होता है वो निकल। नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर PS भाटी में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भाग 3 है। इससे पहले आप भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दस्तावेज और फसलों के प्रीमियम को प्रति हेक्टर कैसे गणना करते हैं ये सिखाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई बार किसानों के पूरे खेत की फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों का मनोबल टूट जाता है और अगली सीजन की फसल के लिए उसके पास लागत राशि नहीं होती है। इसी क्रम से वह ऋण के बोझ में दब जाता है, जिसका परिणाम होता है जैसा कि हम न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर सुनते हैं कि किसान ने आत्महत्या की है, फिर धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली जैसे इवेंट घटित होते हैं। उससे किसानों के कीमती समय और श्रम की क्षति होने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जन्म दिया है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है, परंतु अंतिम सप्ताह में वित्तीय संस्थान डॉक्यूमेंट प्रोसेस में व्यस्त रहता है, इसलिए आप समय रहते 24 जुलाई 2021 से पूर्व बीमा करवा दीजिए। यदि आप ऋणी किसान हैं तो बैंक से संपर्क करके पता करें कि आपकी कौन सी फसल का बीमा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बैंक ने जिस फसल का बीमा किया है वो आपके खेत में होने कारण अगर आप नहीं के वो के भाई मारे ही फसल की बीमा कराना तो मैं आपके हिसाब कर दे। ठीक है, तो कई पतो अब की बार थे मूंग भैया ज्यादा भाव में और बे कर दिया बाजरा के, तो बट थे जार बिन के वो के भाई मारे मूंग को ही बीमा कराना आपके खेत में होनी चाहिए। बैंक में जाकर आप क्रॉप चेंज करवा सकते हैं। बीमा करवाने से पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिस्ट के अनुसार कागजात तैयार करने हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान हेतु, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल, जमाबंदी, यदि आप बटाईदार हैं तो मालिक के साथ समझौता पत्र जिसमें दोनों की सहमति, हस्ताक्षर, खसरा नंबर आदि जानकारी अंकित होती हैं। फसल बुवाई प्रमाण पत्र, इस पर पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए। शपथ पत्र, फसल बुवाई प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त करके भरना है। स्वयं के नाम की खाता संख्या, बैंक पासबुक प्रति, कैंसिल किया हुआ चेक। आइए अब देखते हैं कि फसल बार प्रति हेक्टर बीमित राशि और प्रीमियम राशि की गणना करना। तो चलिए गाइस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल साइट पर जाके देखते हैं कि प्रीमियम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी देखते हैं। हम इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें से हमें सबसे पहले सीजन को सिलेक्ट करना है। अभी के लिए सीजन हम सिलेक्ट करते हैं खरीफ, जो कि 2021 की है, और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट राजस्थान है और डिस्ट्रिक्ट मैंने जोधपुर सेलेक्ट किया है, और जो क्रॉप है अभी हम लेंगे अभी के लिए मूंग।
देखिए मैंने क्रॉप मूंग को सिलेक्ट किया, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि एक हेक्टर में छह बीघा होते हैं, तो एक हेक्टर क्षेत्रफल के अंतर्गत मूंग की जो फसल का बीमा है वो 77,709 रुपये है। किसान से इसका 2% राशि बीमा के रूप में ली जाएगी, जो कि होती हैं 956 रुपये। बाकी का 10,495 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो अगर फसल ख़राब होती है तो 47,709 रुपये आपको एक हेक्टर, एक एकड़ या फिर ऐसे बोली कि छः बीघा की फसल अगर ख़राब होती हैं तो आपको 47,709 रुपये मिलेंगे और पूरी सीजन का आपको 954 रुपये का प्रीमियम चुकाना है। अभी नेक्स्ट क्रॉप हम चेंज करते हैं और क्रॉप लिया है हमने ग्राउंड नट यानी कि मूँगफली। क्षेत्रफल हम एक हेक्टर लेंगे, तो एक हेक्टर क्षेत्रफल के लिए मूँगफली में जो हमें बीमा राशि है वो 1,13,116 रुपये। अगर हमारी फसल ख़राब होती है तो हमें बीमा मिलेगा। इसका 2% होता है 2,262 रुपये, ये हमें प्रीमियम चुकाना है यानी कि बीमा राशि हमें भरना है। अगर हमारी एक हेक्टर में फसल ख़राब होगी तो हमें 1,13,000 तकरीबन रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्रॉप हम देखते हैं गंवार। तो गंवार की फसल का एक हेक्टर क्षेत्रफल रहते हैं हम, अगर एक हेक्टर क्षेत्रफल में हमारे गंवार की फसल ख़राब होती है तो हमें मिलेंगे 23,044 रुपये और इसका 2% जो कि होता है 460 रुपये, वो हमें 4 महीने के अंदर एक बार में ही चुकाना है। अगर फसल ख़राब होती है तो हमें तकरीबन 23,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट फसल हम देखते हैं अपना ये मोट एक हेक्टर के लिए। तो इसके लिए एक हेक्टर के लिए बीमित राशि जो है 418 रुपये होंगे और इसका जो क्लेम होता है वो 20,903 रुपये होता है। और जो बाकी की जो राशि है 2,926 रुपये वो गवर्नमेंट की तरफ से पेड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रॉप लेते हैं नेक्स्ट अपनी बाजरा। तो एक हेक्टर या छह बीघे के अंदर अगर बाजरा की फसल का हम बीमा कराते हैं और हमारी फसल खराब होती है तो हमें मिलते हैं 18,162 रुपये और इसका 2% 363 रुपये होते हैं, वो हमें बीमा के रूप में एक ही किस्त में चुकाना है। नेक्स्ट हम लेते हैं फसल एक हेक्टर क्षेत्रफल के लिए और अपनी फसल है अब हम 5 हेक्टर के लिए देखते हैं कि 5 हेक्टर के अंतर्गत अगर बाजरा है तो हमारी बीमित राशि और क्लेम कितना मिलेगा। 5 हेक्टर के लिए हमें बीमा मिलेगा, बीमित जो 5 हेक्टर के लिए हमें मिलेंगे